गवर्नर बनने के बाद मैंने कई पुस्तकों का विमोचन किया है, लेकिन जैसा कहते हैं कि तुमसा नहीं देखा, इसी तर्ज पर हम कह सकते हैं कि पुस्तक विमोचन का ऐसा आयोजन नहीं देखा। जब चंडीगढ़ की डीएवी कॉलेज वुमेन उसकी स्वर्ण जयंती मनाई गई थी, गोल्डन जूबली, उसकी स्थापना के 50 वर्ष, तब देश के आदरणीय राष्ट्रपति जी यहां पर आए थे, उनको ये पुस्तक भेंट की गई। पंजाब विश्वविद्यालय का जब कॉन्वोकेशन हुआ, दीक्षांत समारोह हुआ, तो देश के आदरणीय उपराष्ट्रपति जी आए थे, उस समय भी ये पुस्तक उनको भेंट की। ये दोनों अवसर कितने सुनहरे और अच्छे थे कि इस पुस्तक का भी विमोचन हो जाता, देखने को अवसर मुझे नहीं मिला। और इसलिए इतना सब होने के बाद ये पुस्तक का विमोचन, इस कॉपी टेबल बुक का लोकार्पण मेरे हाथों से हो रहा है, और इसलिए मेरे गवर्नर काल का ये भी एक स्वर्णिम बिंदु मील का पत्थर होगा। प्रोफेसर डीएस कपूर, डीएस यानी दीप सिंह ना, ये वास्तव में दीप है, ये ज्योति है। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज कला के क्षेत्र के एक ऐसे प्रख्यात गुणी कलाकार से हम आपकी भेंट करवाने जा रहे हैं, जिनकी अपने इस सफर में बहुत ही गहरी भूमिका भी रही है और उसके साथ साथ कई ऊंचे आयाम उन्होंने हासिल किए हैं, और वो नाम है प्रोफेसर डीएस कपूर जी का। प्रोफेसर डीएस कपूर ने चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्ट पर हिस्ट्री एंड हेरिटेज नामक एक प्रेस्टिजियस पुस्तक की रचना की है। उन्होंने इस पुस्तक की राइटिंग, कंपाइलिंग, लेआउट, डिज़ाइनिंग और मुद्रण में लगभग 9 वर्ष कड़ी मेहनत की है। ये पुस्तक मार्च 2018 में हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर कप्तान सिंह सोलंकी और पंजाब विश्वविद्यालय के कुलपति के कर कमलों द्वारा विमोचित की गई। बात करें प्रोफेसर डीएस कपूर की, तो उनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो आज हमारी इस वार्ता का विषय है, उनकी लिखी एक पुस्तक हिस्ट्री एंड हेरिटेज नामक एक बहुत ही खास प्रेस्टिजियस पुस्तक है, जिसका कि सीधा लिंक म्यू स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर पाकिस्तान से है। इस पुस्तक की बड़ी उपलब्धि के लिए हम उन्हें बधाई भी देते हैं, और आज इसी पुस्तक के बारे में हम उनसे वार्ता करेंगे। समाज में कलाकारों के सम्मान के लिए प्रोफेसर डीएस कपूर ने ना सिर्फ इतनी महान उपलब्धियों से जुड़ी हुई इस किताब की रचना करी, बल्कि उन्होंने एक नारा भी दिया, जय जवान जय किसान की तर्ज पर जय कलाकार। सच में कलाकार की इतनी खूबियां और इतनी बड़ी उपलब्धियों को संजोने संवारने का एक बड़ा काम आपने किया। तो आइए इस पुस्तक के बारे में और एक कलाकार के जीवन में झांकते हैं, बात करते हैं प्रोफेसर डीएस कपूर जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हम चाहेंगे कि सर, आपका जो ये ग्रंथ है, मैं तो इसे ग्रंथ ही कहूँगी क्योंकि इतनी उपलब्धियों से ये जुड़ा हुआ है, इस पे चर्चा हो रही है, इस पे बात हो रही है, और इसका जो कल्पना थी, जिस वो इसे लिखने की प्रेरणा थी, वो आपको कब और कहाँ कैसे मिली? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं कला घराने से संबंध रखता हूँ, और आर्ट कॉलेज में मेरे फादर और मेरे दादाजी इस कॉलेज में पढ़ाते रहे हैं और स्टूडेंट रहे हैं, और मेरी ये 3री जनरेशन है। मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि ये मुझे एज ए प्रिंसिपलशिप करने का मौका मिला, और तब मुझे लगा कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जो कि कभी किसी ने किया नहीं जी, और ये इस ग्रंथ के रूप में आज हमारे सामने है, बहुत बड़ी बात है। पूछना सर, मैं आपसे चाहूँगी कि जहाँ तक आप बताते हैं कि विरासती ये धरोहर है और आप कलाकार परिवार में जन्मे हैं, तो कलाकार को कलमकार बनने के लिए कैसे प्रेरणा मिली? एक्चुअली बचपन में मैं अपनी खुद की बनाई स्टोरी लिखा करता था स्कूल में जी। जो मुझे टीचर पढ़ाते थे वो मैं उनको हट के अपनी स्टोरी लिखता था,
चाहे मुझे वो डांट भी पड़ती थी, लेकिन मैं अच्छी क्रिएटिव कहानी लिखता था, तो ये मेरे मन में था। जब मैं आर्ट कॉलेज में मैंने दाखिला लिया, मैंने मास्टर डिप्लोमा किया, इसके बाद मैंने जर्नलिज्म में मास्टर की, तब मैंने एक जर्नलिज्म विषय को चुना। उस विषय से मुझे लिखने की मेरी तमन्ना और बढ़ गई, और मैंने एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ के ऊपर, एमिनेंट टीचर्स के ऊपर उनकी बायोपिक्स लिखनी शुरू कर दी, जो कि छपनी शुरू होगी, तो मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता रहा। जी सर, देखा जाए तो आज के कलाकार, या कहें कि जो आज वर्तमान की हमारी पीढ़ी है, वो चार कदम आगे की सोच रही है, आगे लगातार बढ़ने की, आने वाले भविष्य के बारे में सोच रही है। ऐसे में आपने ये कोशिश करी कि आपने भूतकाल में गोते लगाए हैं, यानी कुछ ऐसा संजो के लेकर आए हैं आप इस पुस्तक में, जो कहा जाए तो यदि आप ना पिरोते तो शायद अभी तक ऐसा कोई प्रयास नहीं हुआ था, और ऐसा कुछ सामने आने की कहीं और से मिलना भी शायद मुश्किल ही था। पर आपने जो ये इतना बड़ा काम किया है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में एक मैं आपको बताना चाहूँगा कि सन 2006 में जब वेबसाइट बननी शुरू हुई थी, तो मुझे हैबिट थी कि मैं डिफरेंट आर्ट कॉलेजेस की वेबसाइट में जाके देखा करता था कि कौन से कंट्री में कहाँ पे आर्ट कितना आगे जा चुका है। तो अचानक मुझे माई स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर की वेबसाइट दिखी, तो जैसे मैंने वो वेबसाइट को खोला तो मैं एकदम हैरान रह गया। मैं दादाजी की फ़ोटो उसमें एज ए नॉमिनेट टीचर थी, और कितनी बड़ी वो उपलब्धि थी, कितनी खुशी के पल थे। मैंने उनको एक लेटर लिखा माई स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर को, जिसका कि नाम अब नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट है, तो वो बड़े खुश हुए। इनको नहीं पता था कि एक आर्ट कॉलेज उसी अदा पे, उसी पैटर्न पे एक चंडीगढ़ में भी चल रहा है, जिसके टीचर और जो माइग्रेट करके गए थे आफ्टर पार्टीशन, वो उसको चला रहे हैं। तो ये उनको बहुत अच्छा लगा। इसके बाद प्रिंसिपल साजिदा वंडाल ने खुद यहाँ आके इस कॉलेज को देखा, फैकल्टी से मिले, बच्चों से मिले, फिर उन्होंने मुझे एक ऐसा खजाना दिया जैसे कोई दादी माँ देती है मुझे, वहाँ के स्कूल की पुरानी पिक्चर्स, पुरानी कैटलॉग्स, पुरानी प्रोस्पेक्टस, और वहाँ के एमिनेंट टीचर्स की बनाई हुई पेंटिंग्स, और वहाँ की स्टैम्प्स जो कि उन्होंने डिज़ाइन की थी, वो मुझे ला के दी, और मैं धन्य हो गया कि मुझे तो आज यकीनन एक खजाने जैसा ही आपको मिल गया। उस दिन किताब जाग चुकी थी। हाँ बिल्कुल सही आपने कही ये बात कि जब इतना अद्भुत चीज़ें और इतनी कहिए कि बीते हुए वक्त की खूबसूरत यादों को आपने अपने दामन में पाया, तो यकीनन ये ख्याल उपजा होगा आपके बीच में। तो सर ये यात्रा कैसी रही, जब तक आप ये प्रोसेस करते रहे, ये चीज़ें आपको मिलती रही, आप लोगों से मिलते रहे, या उनके विचार आपको जोड़ते रहे? तो इसके बाद मुझे जब इतना खजाना मिला, इतनी इन्फॉर्मेशन मिली, इतनी हेरिटेज मिली, तो मैंने सोचा कि ये तो बड़ी ग्लोरियस हेरिटेज है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं लिखूं। तो मैंने एक आर्टिकल लिखा जो कि ट्रिब्यून में, स्पेक्ट्रम में फुल पेज छपा था, वो उसके मेरे लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित पूर्व था कि मैं लिख सकता हूँ और मेरी पब्लिकेशन हो सकती है। इसके बाद मैंने कुछ सीनियर फैकल्टी जो रिटायर हो चुके हैं, एमिनेंट मास्टर्स हैं, उनके बारे में मैंने लिखना शुरू किया। वो ट्रिब्यून में मेरे रेगुलर छपते रहे आर्टिकल्स, और एक मेरा एक बैंक बनना शुरू हो गया प्रोफाइल्स के ऊपर। और जब मैं प्रिंसिपल बना तो मैंने सोचा कि अब मेरे लिए मौका है, अच्छा मौका है, क्योंकि मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन जल्दी मिल सकती है, वहाँ पे फाइलें हैं, एक पोजीशन का होल्ड भी होने से वो भी होता है। तो मैंने काफ़ी कोशिश की कि मुझे पुरानी मिल जाए, लेकिन कुछ मिला कुछ नहीं मिला। फिर मैंने लाहौर की माई स्कूल ऑफ आर्ट की आर्काइव से अपने रिलेशन बनाए, वहाँ पे प्रोफेसर नादीम थे इसके फाउंडर आर्काइव के, तो उनको मैंने लिखा बताया, तो उन्होंने मुझे, मैं थैंकफुल हूँ माई स्कूल ऑफ आर्ट का, कि उन्होंने मुझे पुरानी पुरानी फोटोग्राफ्स और पुरानी इन्फॉर्मेशन सारी बिना हिचक के देते रहे मुझे, और मैं उसको कंपाइल करता रहा। सर बहुत बड़ी उपलब्धि ये पुस्तक, लक्ष्य साधा आपने और एक लंबी यात्रा भी की, और फिर कहीं जाके ये मुकाम आपने हासिल किया कि आप इस पुस्तक के रूप में आप इस ग्रंथ की रचना कर पाए। यकीनन कुछ रुकावटें भी आई होंगी, कुछ दिक्कतें भी आई होंगी, तो कुछ थोड़ा सा हमें उनके बारे में भी बताइए। एक्चुअली जब मैंने एज ए प्रिंसिपल किताब की रचना शुरू की, सोचा तो सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं जब ये कॉलेज ब्रिटिश ने 1875 में सेटअप किया था लाहौर में, तो वहाँ से लिखता हूँ ताकि मुझे पूरी हिस्ट्री और हेरिटेज मिलेगी। तो मैंने पुराने लीजेंड, पुराने टीचर्स जो कि
अब नहीं हैं या रिटायर हो गए हैं, मैंने उनको मिलना शुरू किया, उनको विज़िट किया, उनकी फैमिलीज़ को मिला, उनके बच्चों को मिला, और मुझे इतनी इमोशनल स्टोरीज़ मिली जिसके लिए अगर मैं चाहूँ तो मेरे लिए एक नई किताब बन जाएगी उन स्टोरीज़ के ऊपर। बट मैं तो चाहता था हिस्ट्री लिखूँ और वहाँ की हेरिटेज क्या थी उसको कंपाइल करूँ। तो मुझे, मैंने दो देशों की मिट्टी को सूंघा है, मैंने फील किया है जहाँ पे मेरे दादाजी और मेरे फादर कभी स्टूडेंट और टीचर रहे हैं। सर, उम्र का वो क्या दौर रहा होगा जब आप इस तरह से स्टोरीज को इलस्ट्रेट करते थे, तो मैं जानना चाहूँगी। एक्चुअली तब बहुत ही छोटे रहे होंगे। बहुत छोटा था। एक्चुअली मेरी स्कूलिंग हुई है लेडी इन स्कूल शिमला में जी। तो जब कॉलेज ऑफ आर्ट शिफ्ट चंडीगढ़ में हुआ तो फादर भी शिफ्ट कर गए और मेरा दाखिला मॉडल स्कूल में हो गया जी। सेक्टर 22 मॉडल में जी। तो माहौल एकदम चेंज हो गया था। शिमला स्कूल ऑफ आर्ट, जो शिमला में लेडी इवन स्कूल का माहौल था वो डिफरेंट था, यहाँ का माहौल डिफरेंट था जी। तो तब स्टोरीज मैं याद नहीं रखता था, ज़्यादा मैं इलस्ट्रेट करता था उसको जी। तो जो भी कहानी जो टीचर देते थे, स्टोरी थर्स्टी क्रो या ग्रीड डॉग या कुछ भी, उसको आई ट्राई टू इलस्ट्रेट दो स्टोरी, जिसको सारे अप्रिशिएट करते थे जी। मतलब आपको अपने शिक्षकों से एक छोटी सी उम्र से ही खासा प्यार, खासी मोहब्बत मिली और जिसने आपकी इस कला को परवान चढ़ाया। कुछ जिस तरह से आप वहाँ से जो आपने लिखना शुरू किया वो आगे इतने विस्तृत रूप में कैसे पनपा, कैसे आपने डिसाइड किया कि अब आपको इसी क्षेत्र में जाना है और ऐसा ही कुछ करना है? मतलब घर परिवार में सभी ने सपोर्ट किया, सभी ने इसी और आपको बढ़ाना चाहा? एक्चुअली जब मैं किताब लिख रहा था तब मैं एज ए प्रिंसिपल शुरू किया था मैंने जी। तो जो सपोर्ट मिलती रही मुझे फैकल्टी से या पुरानी फैकल्टी से, मुझे ट्रैवलिंग बड़ा करना पड़ा। मुझे जो अपने पुराने टीचर्स थे या पुराने प्रिंसिपल्स थे या पुराने लेजेंड थे, जो एमिनेंट स्टूडेंट थे, उनको जाकर घर में मिलना पड़ता था, उनके पास बैठ के काफ़ी देर तक उनके पास बैठ के उनकी बायोग्राफीज लिखता था, स्टोरी लिखता था, उसको आगे मैंने गारा के कंपाइल करना, मैंने फिर उसकी तीन तीन चार चार एडिटिंग करनी, फिर उसका लेआउट करना। तो ऐसे वो पेज बढ़ते गए, मैंने इसको भी सोचा नहीं था कि एक किताब एक इतना ग्रंथ और कला ग्रंथ के रूप में बन जाएगी, लेकिन वो बढ़ती गई। मुझे कईयों ने कहा कि आप इसको थोड़ा कम करो, छोटा करो, और यहाँ इसके दो तीन वॉल्यूम कर लो, लेकिन मैं चाहता था इसका एक ही वॉल्यूम आए। तो सर, जैसे आपके घर में आपने कहा कि आपके पिताजी, आपके दादाजी भी कलाकार थे अपनी तरह से, तो आपने अपना विषय कितना परिवर्तित किया, उनके आर्ट को कितना खुद में संजोया, कितना ढाला, और कुछ नया अपनी ओर से क्या? एक्चुअली बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जी। मैं स्कूल पास करने के बाद मेरे फादर चाहते थे मैं आर्किटेक्चर बनूँ जी। तो वहाँ पे मुझे प्री यूनिवर्सिटी करने के लिए गवर्नमेंट कॉलेज में भेज दिया, ताकि मैं एक प्री यूनिवर्सिटी कंपलसरी सब्जेक्ट था, क्लास थी, इसके बाद आर्किटेक्चर में दाखिला मिलता था जी। तो वहाँ मुझे ऑप्शनल सब्जेक्ट मैंने चूज़ करना था, वो मैंने फाइन आर्ट रख लिया। तो वहाँ मुझे मुलाकात मेरी प्रोफेसर बलिंदर सिंह से हुई जी, जो कि इस कॉलेज के पुराने स्टूडेंट थे। तो मैं हर टाइम जब फ्री होता था वहाँ जाके उनके आर्ट रूम में बैठ के पेंटिंग किया करता था। तो एक दिन उन्होंने आके मेरे फादर को बोला कि आप इसको बैटर यहीं ले आओ, ये तो आगे जच नहीं कर पाएगा, इसका तो कला में बहुत रुचि है। तो आई थिंक उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की है कि मैं आर्ट कॉलेज में आ गया, लेकिन मेरे फादर नहीं चाहते थे मैं आर्ट कॉलेज आऊँ। अच्छा जी। तो ये मुझे पता नहीं वो क्यों नहीं चाहते थे। सर, डेस्टिनी होती है इंसान की। सर, आपकी जो ये महान उपलब्धि है, आर्ट कॉलेज लाहौर से शुरू होकर चंडीगढ़ तक पहुँची है और फिर उसका एक खूबसूरत रूप आपने इस पुस्तक में तैयार किया है, तो कहा जा सकता है कि इन दो देशों के बीच एक खूबसूरत माध्यम, एक खूबसूरत कड़ी का रोल आपने निभाया है। तो क्या कभी ऐसा हुआ कि ये सब कुछ एकत्रित करने के लिए देशों की सरहदें आड़े आई हों, या आपको किसी और तरह का पॉलिटिकली या कुछ सामना करना पड़ा हो दिक्कत का? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब मैंने बाइसुलफाट में बताया कि मैं आर्ट कॉलेज में एज ए थर्ड जनरेशन काम कर रहा हूँ और मेरे दादाजी और मेरे फादर इस कॉलेज में पढ़ते थे, तो उन्होंने मुझे रैदर बहुत सपोर्ट दी और मुझे कहा कि जो भी इंफॉर्मेशन आप चाहते हो हम आपको देंगे, क्योंकि उन्होंने अभी तक अपनी आर्काइव्स को समेट के रखा हुआ है जी। तो उन्होंने मुझे वहाँ के उस्तादों के बारे में, पहले उस्ताद हुआ करते थे जी,
जैसे चुगतई साहब हैं, ये ऐसे उस्ताद थे जो कि बच्चों को शिक्षा देते थे, उनके बारे में इन्होंने मुझे बताया कि कितना वहाँ का कल्चर हेरिटेज कितना स्ट्रॉन्ग था जी, कला के माहिर लोग और कला के माहिर लोग थे वो। तो आप भी इस बात को ज़रूर मानते होंगे कि कला जो है वो सरहदों की गुलाम नहीं है, ये एक खुली उड़ान है और इस उड़ान के लिए कोई आकाश सीमित नहीं है। जहाँ तक आपने भी उड़ान भरी, आपको खूबसूरत परवाज़ भी मिली और साथ भी मिला और मदद भी मिली। कुछ ऐसे वहाँ के स्टूडेंट्स या वहाँ के कुछ और यादगार दोस्त भी होंगे इस यात्रा में आपके साथ ही? बिल्कुल ठीक है, जब मैंने उनको मेरी उनसे कम्युनिकेशन हुआ करती थी तो वहाँ से एक कलाकारों का टीचर्स का ग्रुप यहाँ आया था कुछ बच्चों को लेके, कि वो आर्ट कॉलेज में विजिट किया, उनको आके सारा उनको देखा तो उनको ऐसा लगा कि जो माहौल यहाँ पे है वही माहौल वहाँ पे है, तो वर्किंग सब्जेक्ट्स सब सेम है, सिर्फ एक स्पेस थी वो जो कि वहाँ के बच्चों ने यहाँ आके बहुत इन्जॉय किया, यहाँ के हमारे बच्चों के साथ उन्होंने इंट्रैक्शन की और वो भी पंजाबी बोलते थे, हमारे बच्चे भी पंजाबी बोलते थे जी। इसका मतलब सर आपका कहना ये रहा कि वो मैत्री, वो मिलना, वो कलाकारों का मिलन जो है उसमें सरहदें कभी आड़े नहीं आई। कलाकार ये नहीं देखता कि मैं किस मिट्टी किस देश का हूँ, कलाकार सिर्फ कला को होता है। तो कुछ ऐसी ही भावना, कुछ ऐसा ही, लेकिन आपके लिए हम सैल्यूट करते हैं सर कि आपने ऐसा माहौल, ऐसे मुकाम को तैयार किया कि दो देशों के कलाकारों ने सांझी कुछ उपलब्धियां हासिल की, एक बड़ी बात है और आपका ये योगदान भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब सर हम ये कह सकते हैं कि कलाकार किसी एक धरती तक सीमित नहीं है, उसकी पहुँच जहाँ तक भी है वो अपनी कला का उतना ही खूबसूरत प्रस्तुतिकरण कहीं तक भी पहुंच के करता है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? बिल्कुल ठीक है, समाज में कलाकार का बहुत बड़ा योगदान है, चाहे वो विजुअल आर्टिस्ट है या परफॉर्मिंग आर्टिस्ट है जी। बिना कलाकार के हमारा समाज अधूरा है। मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि प्रोफेसर डॉक्टर मुल्कराज नंद एक बहुत बड़े इतिहासकार हुए हैं जो कि एक बार चंडीगढ़ आए तो तब हमारे कॉलेज में एनुअल एग्जीबिशन चल रही थी, तो हमारे प्रिंसिपल जगमोहन चोपड़ा जी और डॉक्टर एम एस नवा उनको एग्जीबिशन दिखाने के लिए कॉलेज ले आए। तो उन्होंने एग्जीबिशन देखने के बाद बच्चों से इंट्रैक्शन की, जबकि मैं स्टूडेंट था जी। तो उन्होंने पंजाबी में एक वर्ड कहा कि तुहाडे कोल चंडीगढ़ च आर्ट कॉलेज है, इतों का कल्चर कभी नहीं मरेगा, हमेशा जिंदा रहेगा। सो आई थिंक आफ्टर दैट आई हैव सीन के हमारे कलाकार आर्ट एक्टिविट करते रहते हैं, कभी वर्कशॉप्स, कभी एग्जीबिशन, कभी सेमिनार्स, ये कला ये रेगुलर यहाँ पे होती रही हैं, होती रहती हैं। और ललित कला अकेडमीज़ और दूसरी प्राइवेट अकेडमीज़ आर्ट को और आर्टिस्ट को प्रमोट करती रहते हैं। इस मामले में तो हमारा चंडीगढ़ सही मायनों में बहुत ही बहुत बड़ा योगदान समाज को दे भी रहा है। समाज का विश्व पटल पे अगर देखा जाए तो अपनी कला से, अपनी सभ्यता से, संस्कृति से प्यार करने वाले लोग यहाँ हैं और अपनी कलाओं का सम्मान करने वाले लोग भी। तो जैसा कि आपने कहा कि सर ने ये बात कही, तो वो भी एक पारकी गुरुजन के मुंह से निकले हुए शब्द थे जिनको आज तक हम पूरा होते हुए देख रहे हैं, ये एक बड़ी बात है सर। सर मैं आपसे फिर वापस लौटते हैं आपकी इस किताब के बारे में, मैं पूछना चाहूँगी, इतना बड़ा ग्रंथ है, इसकी आपने कहा कि बहुत सी आपको मदद भी मिली, लेकिन फिर भी कुछ एक पहलू, कुछ एक वजह ऐसी रहती हैं कि ये पुस्तक आम लोगों तक या हर किसी तक इसकी पहुँच नहीं हो पा रही, तो किसी तरह से आप कुछ थोड़ी सी नाउम्मीदी भी कभी आपको बीच में मिली या कुछ ऐसा भी आप बताना चाहेंगे, कहना चाहेंगे? हाँ, इसकी मुझे कुछ दिक्कतें आईं, क्योंकि जो मैंने सोचा था कंपाइलेशन मैं लगा रहा, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था क्योंकि मैं तब एज ए डीन रोहतक में कार्य कर रहा था, तो वहाँ पे टाइम नहीं मिलता था मेरे पास, सैटरडे या संडे थे यहाँ पे, यहाँ के मुझे काम करना, फिर मैंने उन फैमिलीज़ को मिलना, तो करते करते ये दिक्कतें आती रही, लेकिन मुझे वो दिक्कतें अच्छी लगी हैं क्योंकि वो जब वो खूबसूरत पेजेस बन के आते थे तो मुझे अच्छा लगता था कि ये कहीं बहुत अच्छी तरफ जा रहा है जी। बहुत अच्छा लगता कहते हुए कि हमारे वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर अरुण कुमार ग्रोवर जी ने ये किताब की पहली कॉपी हमारे राष्ट्रपति जी को भेंट की जबकि वो चंडीगढ़ आए थे, और दूसरी कॉपी उपराष्ट्रपति जी को दी, वो भी चंडीगढ़ आए थे किसी काम से। तो मेरी दो किताबें ऑलरेडी
इतने बड़े वहाँ पर जा चुकी थी और जो कि राष्ट्रपति भवन में रखी हुई हैं, और इस हिसाब से मैं कहता हूँ मेरी 3 लॉन्चिंग हुई है जी। तो मुझे बड़ा अच्छा फील होता है जी, जी जी। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी है सर, क्योंकि इस मकाम तक, इस ऊंचाई तक पहुंचना हर पुस्तक का भाग्य नहीं है, लेकिन यकीन अगर आपकी पुस्तक वहाँ तक पहुँची है तो इसमें ऐसी बात भी होगी और इसमें ऐसी जिक्र भी है और ऐसी आशीर्वाद भी ईश्वर का साथ में है। आगे सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इंटरनेट और वेबसाइट की बातें होती हैं आजकल। आजकल सब कहते हैं कि गूगल का एक बटन दबाइए और सारी जानकारी एकत्रित कर लीजिए। ऐसे में जब आपने ये पुस्तक तैयार करी तो आपका क्या विश्वास था कि इस पुस्तक को आम जनता या कला प्रेमी किस तरह से लेंगे? कभी आपने वो भी सोचा था कि इसका किस तरह से? मैंने बिल्कुल सोचा था, मैंने इसकी ई बुक भी बनाई थी। अच्छा। ई बुक बना के मैंने इसको तैयार की और सोचा कि मैं इसको इंटरनेट पर डाल देता हूँ, पर मुझे लगा कि किताब को अगर फिजिकली देखा जाए, वो फील किया जाए, उसके कुछ बात ही कुछ हो रहा है जी। तो मैंने सोचा था कि मेरे जो कलाकार प्रेमी हैं, जहाँ स्टूडेंट्स हैं, जहाँ ओल्ड स्टूडेंट हैं, जो अलुमनी हैं, इस किताब को फील करें कि मैंने कैसे दो देशों की मिट्टी को इकट्ठा किया है जी। मतलब इसमें आपने जो बीत गया वो कल, आज और आने वाले कल की भी बहुत सारी चीज़ों को जोड़ा है, महान कलाकारों को, उनकी कृतियों को, उनके बारे में अच्छे से चर्चा की है। तो देखा जाए यदि गूगल इत्यादि पे जो सर्च करते हैं वो शायद इन तीनों दिशाओं की ओर बढ़ के वो सब कुछ ना ढूंढ पाएँ, तो आपके इस प्रयास से मुझे लगता है कि हमारी नई युवा पीढ़ी, नए कलाकार एक ऐसे ही ग्रंथ में, एक ऐसी ही पुस्तक में वो सब कुछ पालेंगे, ये एक बड़ी बात होगी। एक्चुअली मैं फील करता हूँ जो हमारा कॉलेज है एक सागर है, एक बड़ा बर्गर का पेड़ है जी। जो कि मैंने इसको मैंने लिस्टेड भी किया है, रूट्स मेमोरीज एंड विंग्स। हमारी रूट्स इतनी डीप हैं, रूटेड हैं, और हमारे विंग्स आर्टिस्ट सारे बहुत दूर दूर फैले हुए हैं जी। और इसके साथ इसकी बहुत मेमोरीज हैं जो कि मैंने किताब में कंपाइल की हैं। तो ये सबसे रूट्स मेमोरीज एंड विंग्स जो मेरा किताब का मोटो है, मैं फील करता हूँ कि मेरा उसमें मुझे काफ़ी हद तक कामयाबी मिली है। आज आपने जितनी कड़ियाँ जोड़ी हैं, आप अगले प्रयास में हम शुभकामनाएं भी देते हैं आपको कि ये एक प्रयास चलता रहे, आप और जितना सजो सकें, आप देश के लिए, आप हमारे कलाकारों के लिए, कला प्रेमी के लिए, कला जगत के लिए आप अपना ये कॉन्ट्रीब्यूशन देते रहें। सर ये रहा आपका कॉन्ट्रीब्यूशन, लेकिन मैं जानना चाहूँगी कि आपके इस कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए आपके परिवार, आपकी धर्मपत्नी और आपके साथी संगियों का, उनका क्या सहयोग रहा, उनका क्या आपको मोटिवेशन रहा? बहुत योगदान रहा जी। एक्चुअली मेरे पास टाइम बड़ा कम होता था जी। मैं रात घंटों काम करता था, रात को 3 बजे 4 बजे तक मैंने काम किया है। जब तक सेटिस्फेक्शन होती थी मैं काम करता रहता था जी। और मेरी वाइफ हरमन कपूर और दोनों बेटे मेरे चरणदीप सिंह और गुरु जीनियस हमेशा मेरी हेल्प करते थे। कई बार वो एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग में भी मेरी हेल्प करते थे जी। और तो जैसे करते करते किताब बन गई। मैंने मानता हूँ मैं सोशली थोड़ा कट हो गया था जी। थोड़ा परिवार से भी कट हो गया था, लेकिन वो बॉन्डिंग बनी रही और मैं आई थिंक उनका बहुत धन्यवाद देता हूँ, अपने ब्रदर का भी जिन्होंने मुझे हर समय आके मेरे को इसके लिए उत्साहित किया है, प्रोत्साहन किया है और ताकि मैं ये इसको कर पाया। ये तो मेरे लिए अकेले इसको करना बहुत टफ था। सर ये एक बड़ी बात होती है कलाकार के लिए कि कलाकार जिस लेवल पे पहुंचता है या उसकी कोई बड़ी उपलब्धि होती है वो एक जुनून और एक जोश के बिना नहीं हो सकता। उसके पीछे एक गहरी सोच और घंटों की मेहनत, कड़ी मेहनत जिसे कहते हैं, और उसमें यदि परिवार साथ दे तो आई थिंक तभी एक कलाकार सफल है। और सैल्यूट टू योर फैमिली आल्सो सर। एक्चुअली परिवार के अलावा मैं ये भी कहूँगा कि मेरे जो पूर्व पुराने प्रिंसिपल्स थे इस कॉलेज के, जहाँ पुराने एमिनेंट स्टूडेंट थे या टीचर थे, उन्होंने मेरे को काफ़ी सहयोग दिया है क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे उनसे भी बहुत मिलती रही है। क्योंकि ये 140 साल की हिस्ट्री थी जिसको मैंने इकट्ठा किया है।
एक तरह से देखा जाए तो ये हमारी चंडीगढ़ की विरासती धरोहर है, जहाँ हमारे बाहर से आने वाले पर्यटक हैं, आनंद लेते हैं हमारी सभ्यता का, संस्कृति का। और बहुत बड़ी बात है कि आर्ट एंड कल्चर को उस समय भी समझने वाले, बढ़ावा देने वाले हमारे प्रशासनिक अधिकारी भी, हमारे देश के बड़े नेता भी, उन सभी का सहयोग कलाकारों को मिला। और ऐसे समय में जबकि कलाकार अपना सब कुछ शायद खोकर खाली हाथ देश में पहुंचे थे और उन्हें पता नहीं था कि आने वाले समय में उनका फ्यूचर कैसा होगा, भविष्य कैसा होगा, वो अपनी इस कला को जीवित रख पाएंगे भी कि नहीं रख पाएंगे। ऐसे में उन्हें ऐसा संस्थान देना, ऐसी जगह देना, कला को प्रमोट करना, सहयोग देना एक बहुत बड़ी बात है। और हम सदैव ऋणी रहेंगे ऐसे कलाकारों के और ऐसे महान, हम कहेंगे कला को समझने वाले, कला के कद्रदानों के भी। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। जब मैंने स्टडी की तो मैंने देखा कि माई स्कूल फॉर्ट एक कल्चर हब था, कलकत्ता के बाद ये दूसरा हब था जहाँ पे डिफरेंट स्टेट के आर्टिस्ट आके यहाँ काम किया करते थे, जैसे बी सी सन्याल साहब या अमृता शेगिल, इवन पोइट राइटर भी आके स्कूल फॉर्ट में ये काम करते थे। एक बड़ा कला घराना बना हुआ था। और आफ्टर पार्टीशन कुछ आर्टिस्ट दिल्ली में सेट हो गए, कुछ शिमला स्कूल फॉर्ट में उन्होंने एज ए टीचर ज्वाइन कर लिया। एक जो दिल्ली में भी रहे आर्टिस्ट जो वहाँ के लेजेंड थे, बी सी सन्याल, माघो साहब, कृष्ण खन्ना जी, उन्होंने आके दिल्ली में भी ये रंग लगाए और आर्ट को दिल्ली में भी प्रमोट किया और एक कल्चर हब दिल्ली में भी सेटअप कर दी। आईफेक्स और ललित कला अकेडमीज उनकी सेटअप की हुई हैं। जी, बड़ी बात है। सर, अब फिर से मैं उस एक खास मोमेंट के बारे में आपसे जानना चाहूँगी, आपकी उस अनुभूति को मैं आपके मुंह से सुनना चाहूँगी, जब आपकी ये पुस्तक का विमोचन गवर्नर साहब ने किया, उस मंजर को आपकी आंखों ने और आपके दिल ने कैसे महसूस किया? मेरे दिल दिमाग ने अच्छी तरह इसको बहुत अच्छी तरह फील किया और वो मेरे लिए लाइफ की बेस्ट मोमेंट थी जी। जब मेरी किताब लॉन्च हो रही थी जी। और आई थिंक मैं बता नहीं सकता, पूरे हॉल में क्लैपिंग चल रही थी जी। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आपकी और यकीनन हम तो ये चाहेंगे सर कि सिर्फ देश भर में या देश के संस्थानों तक ही इस किताब की पहुंच ना रहे, बल्कि वैश्विक स्तर पर आपकी इस पुस्तक से इन दो देशों की संस्कृति, कला को बढ़ावा भी मिले, उसकी जानकारी, उसका इतिहास जो है कलाकारों तक, कला प्रेमियों तक पहुँचे। सर, कोशिश जो लगातार करते रहते हैं ना, एक बहुत खूबसूरत पंक्ति है कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो आगे आपके क्या विचार हैं, क्या प्रोजेक्ट हैं? ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। जो बंदे मेहनत करते हैं, मैं कहता हूँ उनकी भाग्य की लिखाई लकीरें बन जाती हैं, लाइनें बन जाती हैं, उनको अपने आप ही भगवान और प्रोत्साहन देता है और कोशिश। दिक्कतें आती हैं लेकिन उनको कामयाबी बहुत बड़ी मिलती है। तो मैंने भी कभी सोचा नहीं था जो लेकिन ये बहुत बड़ी उपलब्धि मेरे लिए बन गई कि एक सफल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो वो औरत उसकी माँ भी है, वो औरत उसकी धर्मपत्नी, जैसा कि आज सर के साथ उनकी धर्मपत्नी मैडम हरमन जी भी यहाँ मौजूद हैं। मैडम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो कुछ आप भी ऐसा सोचती होंगी, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? मैं तो इनकी आर्ट के प्रति डेडिकेशन देख के हैरान रह जाती हूँ। इन्होंने आर्ट के फील्ड में बहुत काम किया, बहुत मेहनत भी की और इतनी बड़ी बुक भी लिख दी जी। इसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ी जी। और कई बार तो मैंने इनको ये भी कहते हुए सुना है कि आर्ट इज़ माई लाइफ। क्या बात, और इस बात को उन्होंने प्रूव भी कर दिया। ये प्रूव जी जी। सर, कुछ और चलते चलते हमारे उभरते कलाकारों को और उन बच्चों को जो कई बार ऐसा सोचते हैं कि शायद करने के लिए जीवन में नहीं है कुछ। मैं नए जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं या नई आर्ट की जनरेशन है, उनको ये कहूँगा कि आप अपना काम मन लगा के और डेडिकेशन से करो, आपको एक दिन जरूर सफलता मिलेगी और आप आगे जाओगे। बहुत खूबसूरत आपका ये मैसेज है। आपके इस मैसेज के साथ ही हम अपने दर्शकों से इजाज़त लेंगे, आपको बहुत सी शुभकामनाएं देते हुए आपके आने वाले नए प्रोजेक्ट्स के लिए। इसी तरह से आप नई पीढ़ी को, नए कलाकारों को मार्गदर्शन देते रहें, जुड़े रहें और वर्षों तक
आपकी की हुई जो ये इतनी प्रतिभा है, इतनी खूबसूरत कृतियां हैं, इन्हें सराहना मिलती रहे, ऐसी हमारी कामना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर।